अब नाव में हम लोग एक नाव से दूसरे नाव में बैठ रहे हैं। एक मिनट, इसको उधर रख दीजिए झोले को, तो हम आ जाएं पकड़ करके। देख के चलिए, देख के करियो। हाँ दादा देखियो, एक मिनट। हाँ देख है, देख 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 हाँ, पकड़ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। लबकती है ना ऐसे। हाँ आ जाए, आइए आ गए। चलो 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 आगे बढ़ो। कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर, घंटों परेशान हुए, आगे बढ़ो। तब जाके 100 रुपए में नाव मिला। देख के लाइए झोला, हमको दे दीजिए। ऐसे दीजिए बस, आइए बाप बैठ जाइए, बीचों बीच में रहिए, कभी नाव के किनारे मत जाइए, बीचों बीच में बैठ जाइए। चाचा उधर गाड़ी में चला गया, वो बैठे हैं। ठीक है, उनको भी जाना होगा। बैठा लो, उनको भी बैठा लो। 100 रुपया दे तो रहे भैया, पुण्य का काम नहीं है। अरे तो आपको 10 रुपए और ले लो, बैठा लो, बूढ़े आदमी हैं। गांव को काहे छोड़ रहा है, बुला ले हो। चलो चलो चलिए। अरे वो तो यहीं के हैं भाई, वो तो यहीं के हैं, वो चाहे रोज ना है रोज आओ, मैं उनको क्या। चल दीजिए हो, देखो सूरज की तरफ कैमरा मत करना, ले हाथ करो ऐसे बेटा। हाँ और ये देखो, इसके ऊपर हाथ ना लगाओ, नहीं ये फिर जो है ये देखो ऐसे ये क्लोजअप होने लगता है, बेकार हो जाएगा। बस ऐसे दिखाओ, ये हाथ इस पर ना लगाओ, दूसरा हाथ आगे मत लगाना। हाँ और इसको ये छोटे बटन को इस हाथ से दाब देना है। अच्छा। अब हम लोग नाव में बैठ करके उधर वही जहाँ हम लोग ये गंगा जी में चल रहे हैं, और आगे वहाँ जहाँ पर चिड़िया मिलेंगी। भैया चिड़िया अभी दिख रही थी, किधर हैं चिड़िया सब? उधर ही होंगे सब। मान लीजिए जाए भी चिड़िया न मिले तो सब आने बेकार हो जाए। इधर भी बीच बीच में दिखा दिया करो, धीरे धीरे बस, सूरज की तरफ मत दिखाना। हाँ धीरे धीरे ऐसे ले जाओ, फिर वापस ले। हाँ ऐसे ले आओ, फिर ऐसे ले। देखो स्क्रीन देखो यार, तुम तो वहाँ देख रहे हो, एक तो फोटो भी ले लो, छोटे बटन को दबाओ। हाँ दबोगे तो लाल लाल पट्टी चलेगी। चलो ये चलो, बस एक बार दाब के हाथ हटा देना, बाकी चलने दो। वीडियो भी बन रहा है। खिंच गए खिंच गए खिंच, लाल पट्टी खत्म हो गई ना। ठीक दादा, वो डंडे कहाँ लगाए सब? लगे हैं किसी मतलब से, नाव फंसाने के लिए होगा। तो भाई साहब चुड़िया कहाँ चली गई? काम के चले हो गया है। हाँ स्क्रीन में देखते रहो, ऐसे ऐसे दिखाते रहो। यही डर तो है कहीं ये गिर जाए, ऊपर उड़ तो नहीं है सब। मम्मी अब तुम लोग मम्मी कैमरे को हाँ ऐसे ऐसे बेटा घुमाते लो ना, ये तुम हमको दो। हाँ दूसरा हाथ आगे लेंस पे ना लगाइए। हाँ हम करें, दूसरा हाथ लेंस के आगे ना। हाँ हम अच्छी तरह करेंगे। अब सूरज की तरफ ना, नहीं हम थोड़ा सा ले रहे हैं। नहीं नहीं सूरज की तरफ जहाँ कैमरा इधर किया जहाँ गए उसमें कुछ नहीं है। खोलना अच्छा, ये हम लोग काहे में चल रहे हैं, गंगा में चल रहे हैं, यमुना में चल रहे हैं।
ऐसा जमना मत, घर बनाइए हल्का सा, जो नाव जा रहा है। भैया खिलाने के लिए आइए कम से कम 12-1 बजे। अरे भैया हम आ गए थे लेकिन अब क्या बताऊँ मैं, इतना इतने समय 4-5 बजे पर भैया सब चले जाते हैं टापू, दाल से सब मछली खाना ही खाएंगे लेकिन रहता। इसको सेट कर दो ना जरा सा, इसको सेट करो। वो वाला बटन इसका घूम तो नहीं गया देखे? हाँ वो ये वाला बटन में हाथ पड़ गया है और वो हो गया वो गड़बड़, अब सेट हुआ। इसमें उंगली ना छूने पावे, क्यों इसमें उंगली तो नहीं आ रहा था कि इसके बाद ना, ना। बस ऐसे हाथ डाल दीजिए आप ऐसे बाहर, सूरज के तरफ ना जाए, बाकी इधर उधर आप देखा इधर लीजिए इधर इधर। विहंगम दृश्य है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर आ रहा है बहुत सुंदर। उस समय हम लोग आए हैं वर्तमान पीढ़ियाँ हो रही थी तो मार्च दादा आते आते ये असली संगम देखिए, सामने देखिए साक्षात संगम, ये देखिए गंगा यमुना, ये देखिए आप, ये देखिए। एक भी चिड़िया नहीं है जिस देश से आना हुआ, लाई अगर चिड़िया भी रहते लाई खावे नहीं, नहीं लाई नहीं उनके लिए, खाली हम सेब लेके आए हैं। ये देखिए ये 2 किलो सेब है केवल, रायबरेली से कल्लू मेहरोत्रा ने इसको भेजा है, इसी निमित्त भेजा है। अरे अब शाम को हम अभी रवाना हो जाएंगे, अब देखा जाएगा जो कुछ होगा। नाव में ना गिरा बल्कि नाव में जो गिरा बेटा उसको ऐसा तो नाव वाला था, एक एक दिनों पर बिन बिन के बाहर फेंको ये बेकार जाएगा। क्या था जल राशि है बाबा रे, जल राशि कितनी है भयानक है किनारे बाबा यार, किनारे ना। हाँ दूर दूर से करो जो तुमको करना हो, वहाँ मत जाओ, पास में ना जाओ, जरा गंगा दर्शन संगम का जरा देखो, अपने आप चल रही है अपने आप चल रही है अपने आप। नाव से पानी कट के निकल रहा है, करंट देखिए पानी का, जल का प्रवाह देखिए, जल का प्रवाह। जय हो गंगा मैया, जय हो जय हो, ये गंगा ये मिक्स हो रही देखा, ये जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। भैया इसमें कौन कौन से एनिमल्स हैं, घड़ियाल उड़ियाल हैं? हाँ सांप होंगे, समुद्री वो पानी वाले सांप होंगे, घड़ियाल मगर सब है ना। दोपहर में अगर आ गए, हाँ दोपहर में आए होते तो अरे आ गए थे दोपहर में, लेकिन वही है आदमी नहीं भाई, खास करके चिड़ियों के लिए ही आना हुआ।
और एक भी चिड़िया नहीं। देखिए उंगली तो लेंस के सामने छोटी चौंगनिया, वो चौंगनिया हटाइए अपनी। नहीं सब आ रहा बढ़िया। नहीं नहीं चौंगनिया नहीं 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 आए नहीं है लग रहा आपको। ये उंगली थोड़ा अंदर रखिए पूरा बहुत अच्छी तरह। सूरज की तरफ नहीं इधर इधर दिखाइए। सन की चित्र आ रही है बहुत सुंदर। नहीं नहीं वो आपको लगता है ना। अच्छा लेकिन उसमें वो गायब हो जाएगा। बस आप इधर ही लीजिए जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है उसी के ऊपर। हाँ वो हमारे ख्याल से एक आध हफ्ते में वो भी चली जाएंगे। होली तक बने में रहेंगे बस। होली तक की बात एक भी नहीं रहेगी अगली साल आएगी। होली तक तो उनका डेट है। चलिए अगले साल जाड़ो में गंगा मैया के दर्शन हो गए संगम के। आज का दिन कौन सा है? 20 नहीं 19 तारीख है। दिन कौन सा है? आज मंगल। वो सूचाई ऑफ है। स्विच ही ऑफ है। क्या अभी आपको कोई शर्मा? अभी मिला रहा था। चिड़ियों का झुंड है तो हाँ। नहीं इधर दिखाइए कैमरा। आप ही आ रहे हो। अरे वो आ गई हो। वो बकुला के झुंड है। अच्छा बकुला पानी में बैठे ही है। ये देखो इसे फेंका है लग रहा है कि जैसे उनको कुछ दिखाई पड़ गया। बहन जी आपका एकदम सूरज की तरफ लेंस है। आप इधर ही रखिए। ये नाव चल रहा है ये सीन को चलने दीजिए। ये देखिए ये देखिए यही वाली तो चिड़िया है नहीं आती है इसे घूम गई। मम्मी यहाँ पे चाचा मामा है ना। अरे भैया रायबरेली वापस चले जाएंगे शाम को। यही तो चक्कर है। किसी दिन आना अब अगले साल ही आना होगा। वो घड़ा भाई तो घूम रहा है हड्डी लटका है। हाँ बाबा का काम यही है। इधर दिखाते रहिए। ये देखिए रोशनी वगैरह भी जलेगा। अच्छा अब सारा मेला खत्म हो गया। हाँ। ये तीन टांगड़ा अभी काहे लगा हुआ है? इतना माल लगा है अभी थोड़को निकलेगा। अच्छा इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का है ना ईडीए का है। धीरे धीरे वो चिड़िया बो रही। चिड़िया बो रही। ए भगवान की अगर आ जाती है। आलू वहाँ भी डाला है ना। वहाँ सारे के सारे लगे भैया। यही झुंड बचा है बस भैया। पीछे ये बिनो को बिन बिन के फेंक दिया और उधर लपको मत। यहाँ जो है उसी को फेंक।
को जलपुरी रोक हम मम्मी जलपुरी देखिए REC लिखा है कि नहीं REC ठीक सब वो चल रहा आइए साहब घूमना हो तो काम भी नहीं हुआ बेकार गए बेकार गए न चिड़िया न स्नान कुछ महज यही मोल तोल के चक्कर में लोगों ने टाइम अच्छा निकाल दिया चल हे बम देव जल्दी फटो मारो सालों से खड़े हो गए ये ले लो अपना झोला और बीचों बीच से चल रहा लाइए बहन जी उसको हम दे एक लाइए कैमरा हमको दे दीजिए आ जाए लाइए हमको दे दीजिए बंद ना कीजिए आप छोड़ दीजिए हाँ ऐसे सामने आप बढ़िया लिया है सारा सिविल जज आद्या गुप्ता को देख रहे हैं यहाँ इतना हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन चिड़िया नहीं मिली तो नहीं मिली आने में विलम्ब हो गया यहाँ पर अब हम लोग उतर रहे हैं नाव से आ जाइए उनको पकड़िए इसमें जाना वही रहना ठीक से हाँ हाँ रुक जाओ हाँ हाँ तुम जो है ऐसे उछाल जाओ हाँ उछलो एक मिनट आप महाराज जी पहले निकल हाँ, गए तो उनको हम पकड़ते हैं चले बस हम निकल जाएं खाली लुंगियाँ ना फंसे बस हाँ आ गए हम लोग यहाँ पर से बांट देंगे आप हाँ अभी नहीं ये लाइब्रेरी में जो है यहाँ वहाँ छोटे छोटे बच्चों को दे देंगे हम कोई चीज़ बर्बाद नहीं करते हाँ वो कल्लू मेहरोत्रा जो है वो करते होंगे तमाम फेंक देंगे कहीं बचा है लौटार के ना ले जाए वो अब बताओ उनका कौन को बताई है लौटार के ना ले जाओ अरे सदुपयोग करो बर्बाद मत करो फिर भी वो धर्मात्मा तो ही है यहाँ संगम पर आप देख रहे हैं आज 19 तारीख है 19 आज 19 मार्च 2013 है अब हमने चिड़िया उड़िया को जो देना था अब सब डाल दिया है कुछ तो उनको मिल जाएगा अब हम वहाँ जस साहिबा के घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उसके बाद में रायबिली के लिए हम लोग रात में रवाना हो जाएंगे तो बाड़ी को हम विराम दे रहे हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सामने आप वही सब देख रहे हैं किला वगैरह सूरज को देख रहे हैं सूरज ढल रहा है शाम का समय है संगम तट के आप सारे मनोरम दृश्य देख रहे हैं जब हम लोग आए थे उस समय चिड़िया उड़ रही हाँ।
नाव वाले के मोल तोल के चक्कर में एक भी चिड़िया नहीं मिली जो आने का उद्देश्य था। नहाना हुआ न चिड़ियों को दे पाए, यही सब आधा माल हमने जमुना जी में डाला। हमने कहा चलो मछली उछली खा लेंगी, बाकी माल को जो है उसको वापस ले जाएंगे, वहाँ गरीब बच्चों को बांटेंगे। सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ नाव वालों का मोल तोल बताए ना, किसी लिए आस्था खत्म हो जाए। हाँ हाँ वही तो, इसमें पक्षी आते हैं। नहीं ये सब बता रहे थे कि 4 बजे तक तो मिलती है, ये 4 के बाद जो है ये के बाद एक नहीं मिलेगी। हाँ पूरे दिन सब चली जाती है ना, प्रवासी पक्षी है ना ये लोग। चलिए अब जो है अगर जिंदगी है तो अगले साल जाड़ों में माघ मेला तो लगता ही लगता है, तो जाड़ों में आ करके यहाँ फिर कस के खिला देंगे दिन में। हाँ अरे हम तो दिन ही में आ गए थे ना वो शुरू में। अच्छा देखिए हमने कहा था ना कि आप देर कर रही हैं, हम लोग का जब समय था बहुत सही। अरे भैया हम पूरे हिंदुस्तान का काम निपटा के आए, हमारी श्रीमती जी ने कहा कि उनके कौन काम है जो 10 बजे जा रही हैं, और हम तो मालूम है 3:15 बजे से हम उठ गए थे, 3:15 बजे क्यों हमको यहाँ आना था। आप करते कर, हम लोग 11 बजे चले रायबली से। देखिए कितना प्यारा लग रहा है सीन, नहीं अब हमको ये सीन दिख रहा है कि आना हमारा बेकार हो गया आपके वजह से। हम सुबह से चिल्ला रहे थे। अच्छा उसके बाद जब आपको आना था तो आपने फ़ोन बंद भी कर दिया इन मौके पर, आपने नहीं बंद क्या किया वही, हाँ आपने फ़ोन नहीं उठाया। नहीं ये बताएं हम ऊपर गए और नीचे गए, वहाँ गए यहाँ गए, अभी हमको फार्मूला समझाने लगी। अरे हमका हो गया कबाड़ा। अच्छा ये अंतरात्मा हमारी बता रही थी। अच्छा एक बात मानती कि नहीं मानती, देखिए जो आज घटना घटी या इसका हमको आभास हुआ कि नहीं हुआ नहीं, चलो मान लो तो यही मैं कह रहा हूँ। इसी बात की खुशी हुई कि हम आपको यहाँ तक ले आए सकुशल और सकुशल ले जाएंगे, हमको इसी बात की खुशी है। खुशी तो है, देखिए वहाँ गोकना घाट आप ले गई, अंधेरे में पहुँचा दिया। आरती खत्म हो गई, आपने पानी, आप दवा बहुत बढ़िया देती हैं फाइजर कंपनी का, लेकिन कब जब आदमी मर जाता है तब, है ना, फाइजर कंपनी का जी। ठीक चलिए जय श्री राम। अब आप ही को ये जुर्माना मैं दे रहा हूँ कि अगले जाड़े में आपको लेके आना है। हम कभी इनकार करते नहीं, हैं, हम आज नहीं लाए। और 12 के पहले नहीं, 8 तो आप आई लेकिन मुर्दे को आपने आज दवा तो दिया लेकिन मुर्दे को दिया, मुर्दा मर चुका है। अब चाहे फाइजर हो चाहे अलम्बिक हो, लेकिन यह है कि अगले जानते हैं इसके वजह से ये ड्यू आपके ऊपर बाकी रहा, और अगले साल जाड़ों में माघ जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम आपको जो है ना वहाँ 7 बजे उठा लाएंगे। बस बस बस, और 7 बजे सुनो अपनी गाड़ी से आएंगे हम, 7 बजे उठा लाएंगे, 12 बजे तक यहाँ से नहला धुला करके आपको उठा ले जाएंगे। बस हो गया। ठीक सही, अगर कल्पना करती रहिएगा तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। मेरी गाड़ी आए जल्दी, सेवा झमाझम झमाझम वाली गाड़ी आ जाए, फट से आऊं, फट से ले जाऊं। देखिए सेवा का संकल्प लीजिए, बस ले तो रही हूँ। बताइए कितने साले डाकू हैं यहाँ पर। नहीं वो साला मोल तोल कर रहा था ना, आधा घंटा खा गया, और वो जान रहा था चिड़िया नहीं मिलेंगी, लेकिन आज इनको नाव वाले को जो पैसा दिया है ना आपने, ये पैसा अस्पताल जाएगा सीधे, नोट कर लीजिए, ये अस्पताल में दियाएंगे, मैं ब्याज के दिया देगा। बताओ बच्चे का मांग रहा है। हाँ 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 आपकी गाड़ी कहाँ भैया? बिल्कुल सूर्यास्त हो चुका है। ये सामने क्या ये किला दिख रहा है? किला है। अच्छा सूर्यास्त हो चुका है, आसमान में केवल ललाई है, दिख रहे हैं आप संध्या बेला। अब हम इसी कार से वकील साहब हम लोगों को लेके अपने घर जाएंगे, और वहाँ पर महाओघर दरोगा जी आएंगे, कुछ वहाँ पूजा पाठ कराएंगे, उसके बाद हम लोग दरोगा जी के साथ रायबरेली रवाना हो जाएंगे।
हरिश्चंद वर्मा बहुत बड़े अवघड़ बहुत बड़े तांत्रिक और बहुत ईमानदार और सही मानों में वो असली अवघड़ हैं। उनके हाथ में एक विद्या है, कहीं भी आदमी को दर्द हो रहा हो ठीक कर देते हैं। अब कल्लू मेहरोत्रा को मैं संगम तट पर मैं कल्लू जी को आशीर्वाद देता हूँ कि साठ पीढ़ी में उनके कोई भूखा नहीं सोएगा, ये अवघड़ का वचन है। साठ पीढ़ी में कल्लू मेहरोत्रा क्योंकि ऐसे ही करते रहेंगे, कल्लू को केवल मालूम हो जाए कि भंडारा करना है तो अपने आप को वो दांव पर लगा देता है। वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, अंतिम प्रणाम कर रहा हूँ संगम को इस साल का, क्योंकि अंतिम प्रणाम तो एक वो भी होता है। तो अब हम वाणी को विराम दे रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके बैठ जाएं, चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।